चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यूट्यूब चैनल जनचेतना। मैं छाया सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, हमारी विधिक जागरूकता श्रृंखला एक कहानी नसीहत भरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा यह एपिसोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की प्रस्तुति है और इस श्रृंखला में हम आपको शॉर्ट फिल्म के रूप में एक कहानी दिखाएंगे जो कई नसीहतों से भरी हुई है और आपको आपके कानूनी अधिकारों से जोड़ने में अत्यधिक सहायक है। इस श्रृंखला में हम देखेंगे फिल्म बोलते दरख्त, जिसे राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शूट फॉर लीगल अवेयरनेस में चयनित किया गया था। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबके समक्ष आदिवासियों के अधिकार एवं मानव तस्करी विषयों पर चर्चा कर जानकारी साझा करूंगी। तो आइए देखते हैं एक कहानी नसीहत भरी फिल्म बोलते दरख्त के माध्यम से। अपनी जड़ें जमीन पे समाए, आसमान की ओर उठते दरख्त जब एक साथ जमा हो जाएं तो वह जंगल कहलाते हैं और इन्हीं जंगलों से जुड़े इंसान को एक नाम दिया गया है, आदिवासी। ये इंसान इन दरख्तों की तरह अपनी संस्कृति की जड़ों को अपनी जमीन से जोड़कर खामोश दरख्तों की तरह रहते हैं। प्रस्तुत है इन दरख्तों की एक कहानी, बोलते दरख्त। लाली के बाबू का हो गए, हमारे लाली कतिक बड़े हो गए ना? ओ बड़े हो गए है। तोला कोनो संसो फिकर है एकर बिहाव के? यही बता का करूं मैं, हां हमर मन के कुछ हावे ले देगे तो हमरे मन के पेट भरत है। लाली के बिहाव ला मैं कैसे करूं, मोला कुछ समझ में नहीं आए भाई। ताते कहे इसने एला बुढ़ा देबे, एकर बिहाव या हो नहीं करबे ते? हां अरे करूं ना, जोन करूं मैं हीच करूं, ते कुछ नहीं कर सकस। भाई। हाँ भैया। आप इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ यही गांव में रहता हूँ ना भैया। क्या नाम है भैया आपका? रतन नाम है। यार रतन, मैं आपका गांव घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा, और आज मैं रुकना चाहता हूँ आपके गांव में। अच्छा, कोई रहने ठहरने की व्यवस्था है आपके गांव में? रहे की व्यवस्था हो जाए साहब, ते कौन हस, कहां ले आया हस, बोला बता पहले। यार मेरा नाम अजय है। अच्छा, और मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, और लोगों को काम दिलाता हूँ। अच्छा, जितने बेरोजगार आपके गांव में उन सबको काम दिला सकता हूँ। अरे ये तो बढ़िया बात है, फिर तोला चल गांव घुमा था साहब। चले चलो, मेरी गाड़ी में चलते हैं यार, चलो। हाँ चल साहब। और अगर तुम अपने साथ गाँव वालों को भी तैयार कर लो जाने के लिए तो बहुत अच्छा होता यार। तो हमारे गाँव वाले मन ला लेगे बर, काकी के बात मानते पूरा गाँव वाले मन। ते काम कर, चल तोला काकी से मिलवात हो। ए काकी। कौन है बेटा? रतन हो काकी। आ बेटा, ए कौन है ला नहीं चिन्हो में हा? ये अजय हरे काकी, दिल्ली में रही थे। ऐसे हमर गांव घूमे बर आए है। प्रणाम चाची। खुशी रहा बेटा, कहा हमर गांव घूमे बर आए हस बेटा? कुछ घूमे के नहीं है, कुछ कमाई के साधन नहीं है, कुछ देखे के नहीं है, कहा देखे बर आए हस बेटा ते हमर गाँव में? अरे चाची जी, मैं देख रहा हूँ आपका गाँव बहुत सुंदर है, केवल आपके गाँव में सिर्फ काम की कमी दिख रही है मुझको। अगर आपके गांव के लोग शहर की ओर चलकर मेरे साथ काम में लग जाएं, तो आपके गांव की स्थिति सुधर जाएगी। का हमार स्थिति सुधरी बेटा, यहाँ कोनो काम धंधा तो हावे नहीं, कुछ नहीं हो सके हमार मन के। ऐसी बात नहीं है चाचा जी, एक बार आप शहर की ओर चलकर तो देखिए, शहर में तो बहुत काम है और बहुत पैसे है। लाली पानी लान बेटा। अजय है ना, सही बोला थे, हमारे गाँव वाले मन ला काम दिला ही, और मोला भी काम दिला हूँ बोले है। और जितना जन जाही ना काम करे बर, ओकर कमीशन भी मोला मिली। और देख ना मोबाइल मोला दे है। बने सुंदर दिखाते बेटा। आओ दिलाहूं बोले है। यहाँ मोर बेटी लाली है, एकरे ही बिहाव की चिंता मोला खावत है बस। अब ते कहा था बेटा, तो गांव वाला ला सब ने बात करत हो। चल चल भैया, चल बो। हाँ चलो आओ। चल काकी चल। यार रतन, एक बात बोलूं क्या? बोलना। यार मुझे ना चाची की लड़की लाली, वो मुझे पसंद आ गई है। ऐसे का? और मैं लाली से शादी करना चाहता हूँ, तू एक बार चाची से बात कर यार। हाँ तो चलना, मैं चाची से बात करूँ। चल, चल यार। हमार अजय है ना। हाँ। हमार लाली से शादी करूँ बोला से।
सही मा? हमर लाली है ओला एक नजर में भागे है, वो है शादी करूँ बोलत है। ऐसे? हाँ। लेकिन मैं काम करूँ बेटा, हमार करा तो कुछ नहीं है दहेज देवर। आप दहेज की चिंता मत करिए चाची, मैं आपकी बेटी के साथ एक जोड़ी कपड़े में शादी करने के लिए तैयार हूँ। सिरतोन बेटा। जी चाची। हे भगवान, मोर बेटी के तो भाग खुल गए। ते काबर लकर लकर कर थस, कुछ जान थस उकर बारे में, कौन है, का करते, कहाँ रहते, बस भाग खुल गए, भाग खुल गए। ते चुपे चाप रहा, ते कुछ नहीं कर सकस, मैं कर रहा था तो मोला करन दे। खुशी रह बेटी, खुशी रह। खुश रह बे बेटा लाली, दाई दादा की इज्जत रख बे बेटा, अच्छा से रह बे बेटा। ते कौन हस? मैं तुम्हारा एक रात का पति हूँ मेरी जान। मोर पति अजय कहाँ है? अजय वो तो तुम्हें बेच कर गया। ऐसे नहीं हो सके। अब जो है मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सके। ये क्या हो रहा है? ढंग से काम कर लड़की, देख के गिराना मत। जिसको देखो उसको परेशान करती हो, काम बस कुछ नहीं करती हो। देखो कौन है दरवाजे पे, खोलो जल्दी। अरे आ गई तुम। जी माँ जी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है माँ जी। क्या मेरा मेरा पोता ही होगा ना? ये बात मैंने पूछी नहीं माँ जी। तुमसे कुछ होता ही नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं मिसेस दुबे बोल रही हूँ, वो मधु की सास बोल रही हूँ। आपके पास अभी आई थी ना सोनोग्राफी के लिए? हाँ हाँ बोलिए मैडम। आपने उसकी जांच की है ना? जी जी जी। वो मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पोता ही है ना? मैडम आप होश में तो हैं? कैसी बातें कर रही हैं? प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण गैर कानूनी है और इसकी जांच मैं तो क्या कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। इसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है, सजा हो जाएगी आपको, समझी आप? ए, ठीक से काम कर। करत तो हाँ साहब। नालायक कामचोर कहीं का, क्या देख रहे हैं ऐसे, आँख किसको दिखाता है? मोला यहाँ काम हम नहीं करना है साहब, मोला अपन घर जाना है। घर जाएगा? हाँ। खरीद के लाया हूँ तुझे, समझे, फोकट का नहीं है। मोला कोनो नहीं बेचे साहब, तेला बारी मारा था। ए राम सिंह लगा इसको तो झापट। माँ और मधु कहाँ है? नहीं है साहब, बाहर गए हैं। चल अंदर चल चल। नहीं साहब। चल चल नहीं चल अंदर चल चल। मोला छोड़ना साहब, नहीं नहीं मोला जावन दो, नहीं मोला जावन दो। क्या हुआ कमदा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? नहीं देता घर जाना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जल्दी जाना। तुम एक चिट्ठी लिखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पोस्टमैन। कहाँ लिखी है, मैं पढ़ के बताना। आप किसी और से पढ़ाइए, समय नहीं हमारे पास। लाली के बाबू। काहे? अब बड़ दिन हो गए लाली की कोनो खबर नहीं है। हाँ। वो जानी कैसे हुई। लालिक बाबू, लालिक बाबू देख तो चिट्ठी आया है। अच्छा, मैं कहाँ लिखी है। हाँ। हे भगवान, सत्यानाश हो गए। का हो गए? का बताऊं, का हो गए, हो गए तोरे कारण से सब होते। चलो थाना जाए लगी बताना मोला। चल थाना में बताऊ जो हो गए तेला। चल थाना चल। राम राम साहब। राम 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 राम। अरे कैसे बिसे सर, पूरा फौज के साथ कहाँ घूमत हस जी? क्या बताऊ साहब, दिल्ली से कोई अजय नाम के आदमी आए रही से, गाँव के लड़के मतलब किस काम दिलाऊ के क्या, यहाँ के लड़का लड़की ले गए साहब। उगर मन की कुछ पता नहीं चला थे, कहाँ हो ही कैसे हो ही दादा, और लड़का मतलब पता कर देते साहब। टीकर सोती हम आए लगते, मोला कुछ पता नहीं है।
अपरिचित मन अनजान मन गांव में आ थे पैसा बांटा थे रुपया बांटा थे आप मन यहाँ तक कि अपन घर के बेटी मन ला अजनबी मन ले बर बिहाव करत हो तुमन और हमको आ करके थाने में बताना भी जरूरी नहीं समझते हो कि बाहर से अजनबी आकर गांव में क्या कर रहे हैं और जब वारदात हो गई जब लड़का लड़की भाग गए तब आप मुंह उठा करके यहाँ पे आ गए इकट्ठा हो ऐसे नहीं है साहब एक कमला की चिट्ठी आया है साहब एक तनी देख लेते हो साहब पढ़ के देख लेते साहब मानव तस्करी का मामला लगता है साहब अरे क्या मुंशी जी आप भी इन लोगों की बातों में आकर के मानव तस्करी की बात करते हैं मानव तस्करी होना कोई मजाक बात है अरे ये जवान खून है जवान लड़के लड़कियां हैं भाग गए चिट्ठी ले देख लेते थे एक बार चिट्ठी पढ़ ले बाबा ओ अरे ये तो मामला वही लग रहा है मुंशी जी मानव तस्करी का ही मामला लगता है मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा था कि अजनबी लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए ये इसका नतीजा इसी तरह से भुगतना पड़ता है खैर ठीक है अब जो हुआ हुआ लेकिन अब आगे जो है आप सिलसिलेवार जो भी आपके साथ आप बीती हुई है इतने दिनों में वो आप मुंशी जी को रपट लिखवाइए मैं तत्काल इसमें एक्शन लूंगा और एसपी साहब से बात करूंगा सर ये गांव वाले सब इकट्ठे होकर के मेरे पास आए हैं जो भी हो कैसे भी अपने को गिरफ्तार करके उनको लाना है थाने लेकर के चलो इनको चलो चलिए चलिए आप लोग हमारे बोलते दरख्त कि किस तरह हमारे भोले भाले ग्रामीण भाई बहन एवं आदिवासी बाहरी लोगों के प्रलोभन में आकर ठगे जा रहे हैं शोषित हो रहे हैं अब जरूरत है वक्त रहते जागरूकता की तो साथियों आज हमने जो फिल्म देखी उस पर मुख्य रूप से हम मानव तस्करी के अपराध पर चर्चा करेंगे जिसका प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का अत्यधिक अभाव है तथा जनजातियों में साक्षरता की कमी एक मुख्य समस्या है परिणाम स्वरूप जनजातियां अपने मौलिक विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत नहीं रहती है और अपने कल्याण हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही योजना का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता है इस हेतु लालसा की आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन हेतु विधिक सेवा योजना 2015 है उक्त योजना का लक्ष्य भारत में जनजातियों तक न्याय की पहुंच को सुनिश्चित करना है अर्थात न्याय की पहुंच तमाम अर्थों में समस्त अधिकारों तक पहुंच लाभ विधिक सहायता एवं अन्य विधिक सेवाएं इत्यादि को सुगम बनाना है जिससे संविधान के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके और इस हेतु जनजातियों को कई विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं आप सभी ने अभी इस फिल्म में तीन अलग अलग कहानियां देखी जिसमें पहली कहानी के अंतर्गत एक युवती को एक शहर से आया हुआ अनजान व्यक्ति उसके माता पिता को बहलाकर उससे विवाह कर अपने साथ ले जाता है और ले जाकर उसे पर पुरुष को भेज देता है हमने देखा कि उस युवती के माता पिता जो कि गांव के अनपढ़ एवं भोले भाले लोग हैं उन्हें वह किस प्रकार से प्रेम पूर्वक बहला लेता है और उसके माता पिता उस व्यक्ति के विषय में जाने बगैर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी ना करें आपकी बेटी आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है उसके विवाह की चिंता अत्यधिक स्वाभाविक है किंतु वह बोझ नहीं है कि इस प्रकार अचानक अनजान रिश्ता आने पर उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए बगैर आप उसका विवाह कर दें दूसरी कहानी में आपने देखा कि एक युवती को गृह कार्य के लिए घर में रखा जाता है और घर का मालिक मौका देकर उसका शारीरिक शोषण करता है तीसरी कहानी में आपने देखा जो प्रथम कहानी से संसार तथा जुड़ी हुई है
शहर से आया हुआ वह व्यक्ति जो उस युवती से विवाह करता है, उसी व्यक्ति के द्वारा गांव के युवक को भी बंधुआ मजदूर के रूप में अन्य शहर ले जाकर बेच दिया जाता है। इस प्रकार गृह कार्य हेतु रखी गई युवती को न्यूनतम मजदूरी में रखकर घर के काम कराए जाते हैं, साथ ही उसका शारीरिक शोषण भी होता है। और मात्र ऐसा नहीं है कि मानव दुर्व्यापार महिलाओं का ही किया जाता है, अपितु पुरुषों को भी बंधुआ मजदूर के रूप में कम से कम मजदूरी में रखा जाता है और इन सभी लोगों का उनके घर वालों से संपर्क तोड़ दिया जाता है और ऐसे पीड़ित जन का अपने घर वापस लौटना असंभव हो जाता है। इस फिल्म के माध्यम से एक सीमा तक आप यह समझ गए होंगे कि मानव दुर्व्यापार क्या है एवं किस प्रकार से किया जाता है। मानव दुर्व्यापार का तात्पर्य व्यक्तियों के अवैध व्यापार से है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीकों से महिला, पुरुष व बच्चों को बलात् अथवा बहला फुसलाकर प्रेम पूर्वक अपने साथ ले जाकर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया जाता है एवं इसके एवज में आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। मानव दुर्व्यापार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, जैसे यौन अवैध व्यापार। इसका तात्पर्य है कि किसी भी महिला को बलपूर्वक या छल पूर्वक देह व्यापार में सम्मिलित कर लिया जाता है, जिसके एवज में उसे कम से कम आर्थिक लाभ देकर उसे संलग्न करने वाला व्यक्ति अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। बलपूर्वक विवाह, बंधुआ मजदूरी एवं घरेलू सेवक। जैसा कि आपने देखा, उक्त फिल्म में इन तीनों बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। किसी भी स्त्री को विवाह के माध्यम से अथवा घरेलू सेवक के रूप में रखकर उससे व्यापार कराया जाता है अथवा उसका अन्य रूप से दैहिक शोषण किया जाता है एवं पुरुषों को बंधुआ मजदूरों के रूप में बेच दिया जाता है और उन्हें अत्यधिक न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। किराए की कोख। इसके अंतर्गत कम उम्र की युवतियों की कोख उन माता पिता के लिए किराए पर ली जाती है जिनके स्वयं के बच्चे नहीं होते हैं। उक्त युवतियों के माध्यम से प्रसव उपरांत बच्चा संबंधित माता पिता को दे दिया जाता है और इसके लिए ऐसी युवतियों को कम से कम आर्थिक लाभ दिया जाता है और कभी कभी कुछ भी नहीं दिया जाता है। ऐसी दशा में कम उम्र की अथवा नाबालिग बच्चियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और उनका भविष्य भी प्रभावित होता है। बाल मजदूरी एवं भिक्षावृत्ति। प्रायः ग्रामीण अनुसूचित जनजाति अंचलों में यह देखा जाता है कि कम उम्र के बालक बालिकाओं को उनके माता पिता शिक्षा हेतु न भेजकर किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कमाने खाने हेतु भेज देते हैं, जहां बच्चों को बेच दिया जाता है एवं उनसे कम अथवा बिना मजदूरी के अत्यधिक कठिन एवं खतरनाक कार्य कराए जाते हैं। छोटे बच्चे एवं बच्चियों को कृत्रिम रूप से विकलांग कर उनसे भीख मंगवाई जाती है एवं बड़ी बच्चियों से देह व्यापार कराया जाता है। अंग प्रत्यारोपण के जरिए किसी व्यक्ति को ले जाकर उसके आवश्यक शारीरिक अंगों को निकालकर उसका व्यापार कर लिया जाता है। संबंधित पीड़ित व्यक्ति गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, शहरी जीवन के प्रति मोह, बेरोजगारी एवं आधुनिक कृषि तकनीक के अभाव में इस दिशा में आकर्षित होते हैं और मानव तस्करी जैसे वैश्विक अपराध का शिकार बन जाते हैं। मानव दुर्व्यापार मात्र राज्य ही नहीं वरन पूरे देश और पूरे विश्व में एक गंभीर अपराध का स्वरूप ले चुका है। इससे संरक्षण हेतु विधायिका ने भिन्न भिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया है, जिससे पीड़ित व्यक्तियों को संरक्षण एवं पुनर्वास प्रदान किया जाता है एवं अपराध कार्य करने वाले व्यक्तियों को समस्त प्रक्रिया का पालन करते हुए दंडित किया जाता है। यह अपराध मात्र आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं अपितु संपूर्ण क्षेत्रों में विद्यमान है, परंतु चूंकि आदिवासी क्षेत्र सामान्य क्षेत्रों से और अधिक पिछड़े हुए हैं, ऐसी दशा में इन क्षेत्रों में इस अपराध ने अपनी जड़ें और अधिक मजबूत की हुई है। यह अपराध किसी एक सदस्य द्वारा कारित नहीं किया जाता अपितु समूह अर्थात गिरोह के माध्यम से कारित किया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों की अलग अलग भूमिका होती है और निम्न वर्ग से लेकर उच्च श्रेणी के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी लोग भिन्न भिन्न स्तर पर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। अपराध की गंभीरता को समझते हुए राज्य द्वारा जिला स्तर पर ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी गठन किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य मानव दुर्व्यापार के अपराधों में शीघ्रतापूर्वक विवेचना करते हुए पीड़ित व्यक्तियों को ढूंढकर उनके परिवारजन तक उन्हें पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2013 पारित किया गया है, जिसमें प्रत्येक निजी प्लेसमेंट एजेंसीज का पंजीयन आवश्यक है, उन्हें लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से नियोजन को पूर्णतः विनियमित कर दिया गया है। यदि कोई नियोक्ता किसी भी व्यक्ति को अंतर्राज्य नियोजन हेतु ले जाना चाहता है तो उसे पंजीयन कराना होगा और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और उस व्यक्ति को नियोजित किए जाने वाले सभी व्यक्तियों का पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। यह समस्त उपवन इंटर स्टेट माइग्रेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के अंतर्गत प्रावधानित है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंड के प्रावधान है।
इस संबंध में नालसा द्वारा तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 संचालित की गई है। उक्त योजना का उद्देश्य समस्त आयु समूह की महिलाओं को सम्मिलित करते हुए अवैध व्यापार की पीड़ितों एवं प्रत्येक स्तर पर रोकथाम एवं बचाव तथा पुनर्वास संबंधी समाधान करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करना है। आपकी समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है, जिसका कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में मौजूद है। हमारी ओर से हमारे प्रतिनिधि के रूप में अर्धविधिक स्वयंसेवी अर्थात पैरालीगल वॉलंटियर्स गांव-गांव में जाकर कार्य करते हैं। आपके आसपास आपको विधिक सेवा क्लिनिक मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारे पीएलवी से मिलकर अपनी समस्या बता सकते हैं, जो आपकी समस्या को हम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हम आपकी समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आपकी समस्या का अविलंब समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आपके क्षेत्र के पुलिस थानों में भी हमारे पीएलवी मौजूद होते हैं, वहां से भी आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं तथा वर्तमान में आपकी सुविधा के लिए न्यायालय परिसर में अथवा किसी भी उपलब्ध स्थान पर विधिक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। वहां पर भी जाकर आप हमारे पीएलवी से संपर्क कर अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से उन्हें अवगत कराकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आप सभी को यह सलाह है कि उक्त फिल्म को देखने के पश्चात एवं मेरे द्वारा दिए गए संदेश के उपरांत इस पर गंभीरता से चिंतन एवं मनन करें और अपने जीवन में सजग सुरक्षा सावधान के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए स्वयं अपने एवं अपने परिवार की सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आवे। यदि कोई भी व्यक्ति आपको बहकाने का प्रयास करता है तो चतुराई से इसकी सूचना किसी भी नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस सहायता केंद्र अथवा हमारे विधिक सहायता केंद्र में आकर दें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें और इस अपराध को उसके गठन के पूर्व ही रोक सकें। जब आपकी सुरक्षा एवं आपको न्याय दिलाने हेतु न्याय विभाग, प्रशासन एवं पुलिस विभाग प्रत्येक दशा में कार्यरत है, तो क्या आप स्वयं अपनी सुरक्षा के विषय में गंभीरता से विचार नहीं कर सकते हैं? यदि प्रत्येक परिवार सावधान रहकर स्वयं अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे, तो आप भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी के इस देश को अपराध मुक्त बनाने में सहायता कर सकते हैं। जनता के सहयोग के बिना कोई भी इकाई सफल रूप में कार्य नहीं कर सकती है। यदि अपराध घटित हो जाता है तो शंका होने पर उसकी सूचना देने में बिल्कुल भी विलम्ब न करें, अपितु तो संबंधित पुलिस थाना अथवा पुलिस सहायता केंद्र में जाकर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करावे। उक्त सूचना मात्र पीड़ित व्यक्ति ही नहीं अपितु कोई भी व्यक्ति जानकारी होने पर दे सकता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यह सूचना दी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य ही इसकी शिकायत करे, अपितु गांव के अन्य लोग या जानकारी प्राप्त होने पर कोई भी व्यक्ति इस अपराध की सूचना दे सकता है। आदिवासी क्षेत्रों से मानव दुर्व्यापार के पीड़ितों में से अधिकांश पीड़ित रोजगार की तलाश में ही मानव दुर्व्यापार से संबंधित गिरोह के जाल में फंसे होते हैं, चूंकि वे अशिक्षित होते हैं। ऐसी दशा में आदिवासी अंचलों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार कर उन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही अपराधों के संबंध में जन जन तक पहुंचकर जागरूकता लाते हुए सतर्क करना अति आवश्यक है। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यूट्यूब का जन चेतना चैनल एवं मुख्य रूप से यह कार्यक्रम एक कहानी नसीहत भरी आरंभ किया गया है। मैं यह आशा करती हूँ कि इस कार्यक्रम के इस विषय के माध्यम से आप सभी को इस अपराध के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप सभी आदरणीय जनमानस से अपेक्षा के साथ साथ मेरा यह करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के उपरांत अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाकर भारत के जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और हमारे राज्य को ही नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष को इस घिनौने एवं जघन्य अपराध से मुक्ति दिलाकर भोले भाले युवक युवतियों का जीवन सुरक्षित करने में हमारी सहायता करें। और अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए आप हमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं अथवा इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 151000 पर भी कॉल करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।